वोटां दे दिन जिवें जिवें नज़दीक आ रहे ने तां सियासी खेमियां दे विच भी हलचल तेज़ हुंदी जा रही है। पर इस बार अकाली दल दे पुराने आगू अते साबका कैबिनेट मंत्री सुच्चा सिंह लंगाह दा मामला सामने आया है, जिन्हां ते जबरदना ते धोखेधड़ी दे इल्जाम लगे सन, जिस ते एक वीडियो भी वायरल हुई सी। अते इन्हां सब इल्जामां तों बाद अकाल तख्त वल्लों सुच्चा सिंह लंगाह नूं पंथ चों छेक भी दित्ता गया सी। अते हुण एक लंबा समां सेवा करन तों बाद सुच्चा सिंह लंगाह अकाल तख्त पहुंचे। अते तुसीं भी सुण लवो इस मौके उन्होंने पत्रकारां दे तिखे सवालां दा किस तरह जवाब दिता। अकाल तख्त सिख कौम लई इक महान तख्त है। जदों भी कोई किसी कोलों गलती हो जाती है, भुल हो जाती है, अकाल तख्त उन्हूं छेक दिंदा ते जिहड़ा अकाल तख्त दी मुड़ के शरण आ जांदा वा। अज तक दे इतिहास विच गुरु साहब ने उन्हूं अपने कंठ लाया वा। कौमी गलती होई सी कि बूटा सिंह को वह भी जदों अकाल तख्त ते आया तो उन्हूं गुरु महाराज ने अपने कंठ लाया। इस तख्त दे उत्ते इस वेले ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी अकाल तख्त के जथेदार साहब ने, जिहड़ी बहुत महान शख्सियत ने सिख कौम लई, रब तो बाद इन्हां दा दूजा दर्जा वा। इन्हां उत्ते कोई किसी का दबाव राजनीतिक नहीं पाया जा सकता। ऐसी महान शख्सियत ने पिछे मंजी साहब के पवित्र स्थान पर अपनी कथा विच बड़े जोर नाल दो तीन बार कहा वा कि जिहड़ा भुल जांदा वा जदों हरगोबिंद पातशाह दे सरन आ जांदा वा ते गुरु महाराज उन्हूं अपने कंठ लाउंदा वा, उन्हूं बख्शिया जांदा। मैं पिछले 71-72 दिनों तो लगातार नंगी पैरी आके ते नतमस्तक हो रहा वा, गुरु महाराज दे चरण फड़े ने, पाठ करीदा वा, अरदास करके ते वापस चले जाईदा। मैं निम्रता सहित बेनती करना अकाल तख्त साहब नूं कि मेरे बजुर्ग माँ बाप 90-90 साल की उम्र दे ने, कोई जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, उन्होंने भी तुहानूं बेनती कीती। मेरे बच्चे जिहड़े ने ओह विआहुण दे योग ने, ओह भी मेरे ते जिम्मेवारी है। मेरी अपनी सेहत का भी कोई भरोसा नहीं, तो मैं निम्रता सहित बेनती करना कि मैनू पंथ विच शामिल कर लिया जाए। मेरा ये तरला, मेरी ये मेहनत, मेरी ये अरदास, मेरी ये जोगड़ी है सिंह साहब अगे, जिदे उत्ते कोई सियासी दबाव नहीं पाया जा सकता। ना अज तक मैं समय ना कोई पा सकिया, ना कोई गांह पाएगा। मैं उन्होंने फिर चरणों में बेनती करना कि मैनू पंथ विच शामिल कर। मैं बहुत लंबा समा राजनीति विच रहा वा, कोई राजनीतिक विरोधी बनी जाते ने मेरे जिले के कोई ना कोई एक दो बंदे आए ने पिछले 71-72 दिनों तो, वह भी उन्होंने चुन कोई नहीं आया। मैं समझना कि जे कल तक तो मैं छेकया, अनजाने अनजाने कोई भी गलती हुई है, मैं उन्होंने मनन तैयार हूँ। मैं समझना कि मैं जरा कल तक तो आना वा अपनी भुल बखसाउण लई आ रहा ना, गलती मानते होना जी अपनी जी भी लाने, मैं वो सिर खिड़े मत्थे प्रवान करा। मैं समझदा सी कि अज का दिन जिहड़ा इस करके कि काफ़ी लंबा समा हो गया, तो मैं तुहाडे राही सारी संगत दे चरणों में बेनती अपनी पहुँचाउणी चाहुंदा वा कि मैं सारी संगत का तरला मारना कि मैनूं पंथ विच शामिल करवाउण लई अरदास करा। दूसरे पासे श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वल्लों इस मामले ते विचारन दी गल आखी गई। ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਰਬਾਨ ਦੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਬੇਨਤੀ ਅਰਜੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।